नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास HP लैपटॉप का मदरबोर्ड आया हुआ है जिसका पार्ट नंबर है LA-E802P। कस्टमर का कहना ये मदरबोर्ड जो है शॉर्ट है, बंद है, शॉर्ट बता रहा है ऐसा करके। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम एडाप्टर लगा के देखेंगे। एडाप्टर लगा के देखते हैं कि हमारा जो है ये हमारा लाइट जो है यहाँ पर शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो हम सबसे पहले तो हमारा कॉमन पॉइंट को हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कॉमन पॉइंट जो है वो शॉर्ट है या नहीं है, जहाँ से 18 वोल्ट 19 वोल्ट वाला जो है कॉमन रहता है वो। तो हम कॉमन पॉइंट में हम प्रॉक्स रख लेंगे। प्रॉक्स रखने के बाद देखते हैं हम, ये हमको इस प्रकार शॉर्टिंग बता रहा है ये दोनों तरफ। यहाँ पास इसका कॉमन पॉइंट का है। अब हम उसको डिसेबल कर लेते हैं। डिसेबल करके देखते हैं कि हमारा जो शॉर्टिंग है वो हम सबसे पहले हमारा कॉमन पॉइंट को हम डिसेबल कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा शॉर्टिंग है वो डीसी जैक की तरफ है या बाकी वोल्टेज जिधर 3-5 के लिए जाता है, और भी VRM हो गया, CPU वोल्टेज का जिधर वोल्टेज जाता है उस तरफ शॉर्ट है, वो हम चेक कर लेंगे। हम इस प्रकार चेक कर लेंगे कि हमारा कॉमन पॉइंट में शॉर्ट बता रहा है या नहीं बता रहा है। हमारा कॉमन पॉइंट में इस तरफ शॉर्ट बता रहा है। तो हम जो है अपना शॉर्टिंग चेक करने के लिए हम एक केबल ले लेते हैं और उसमें 5 वोल्टेज निकाल के उसको चेक करते हैं। तो हम यहाँ प्लस माइनस में लगा देंगे अपना मशीन में और इसको हम वोल्टेज को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। इस प्रकार 5 वोल्ट में रख लेंगे और एक प्रॉक्स जो है हम पॉजिटिव वाला जो है जिधर शॉर्टिंग है उस तरफ फिट कर लेंगे। इस प्रकार पॉजिटिव तरफ फिट कर लेंगे और एक प्रॉक्स जो है हम ग्राउंड में फिट कर लेंगे, ग्राउंड कोई भी सा हो। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा कैपेसिटर जो है वो कहीं गर्म हो रहा है, कहीं हीट हो रहा होगा, जिसकी वजह से हमारा बोर्ड जो है शॉर्टिंग बता रहा है। हम इस प्रकार लगा के हम एम्पियर देखते हैं, हम उसको शॉर्टिंग चेक करते हैं कहीं हमारा एक आध कैपेसिटर जो है गर्म तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार हम ऐसा चेक करेंगे टच कर करके, या हम चाहे तो हम ब्रश में IP लेके हम इसको सभी जगह से इस प्रकार टच कर करके देख लेंगे। ये इस प्रकार हम देखते हैं जी, यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो गर्म हो रहा है। इस प्रकार हम प्रॉक्स को लगा के अपना जो कैपेसिटर यहाँ पास ये इस प्रकार धुआं आ रहा है और ये यहाँ पास, और हम IP लगा के भी देख लेंगे। तो IP लगाएंगे तो ये जो कैपेसिटर है वहाँ पास इस प्रकार पता चल जाएगा हमको, सूख जाता है तुरंत ये IP लगाने से। तो हम उसके कैपेसिटर को जो है पहले डिसेबल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने ये प्रॉक्स वाले में फिर चेक करेंगे शॉर्टिंग शो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम उस कैपेसिटर को डिसेबल करेंगे।
कैपेसिटर लगाना इतना अनिवार्य नहीं है, इसके बाद अगर हटा भी देते हैं तो उसके बाद हम फिर अपना मल्टीमीटर पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा वहाँ जो शॉर्टिंग है वो हट गया नहीं हटा। इस प्रकार हम चेक करते हैं अपना मल्टीमीटर से, 1 ग्राउंड में हमारा बीप तो कर रहा है लेकिन यहाँ जो कॉमन पॉइंट था अपना वहाँ पास बीप नहीं कर रहा है, तो इससे हमारा शॉर्टिंग 100% है। शॉर्ट जो था वो कैपेसिटर हम डिसेबल कर दिए और उसके बाद हम अपना ये 19 वोल्ट में फिर से ले आते हैं अपने मशीन के सप्लाई को, 19.5 वोल्ट। उसके बाद हम कॉमन पॉइंट जो हम आईसी निकाले थे उसको लगा देते हैं, या हम इसमें चाहे तो जम्पर भी मार के हम वो कर सकते हैं, उसको काम चला सकते हैं। अब हम चेक आउट करते हैं, आउटपुट कर लेंगे और देखते हैं हम। तो इस प्रकार हम शॉर्टिंग तो हटा लिए थे, अब हम शॉर्टिंग हटाने के बाद चेक करते हैं कि हमारा वोल्टेज जो है बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ अपना तो ये 19 वोल्ट बन तो रहा है हमारा सप्लाई के पास फर्स्ट मॉस्फेट में, और ये जो है हमारा आउट नहीं हो रहा है इस वाले मॉस्फेट पे। तो हम जो है इस मॉस्फेट को हम चेंज कर देंगे क्योंकि 19 वोल्ट जो है ड्रॉप हो जा रहा है मॉस्फेट ख़राब होने के कारण। हम चाहे तो इसी मॉस्फेट को जस्ट उल्टा पलट देंगे ताकि उस पर जो है जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो तो इस प्रकार हम अपना शॉर्टिंग तो हटा लिए और हम जैसे कि देख रहे हैं हमारा एम्पियर भी लोड खा रहा है। और ये हमारा सबसे मेन रहता है कि डीसी जैक में जो लाइट रहता है वो लाइट जो है जलना चाहिए, ये लाइट जो है इससे 100% ये रहता है कि हमारा जो सभी सप्लाई ऑन हो गया है और हमारा बोर्ड जो है चालू होने के तैयार है। तो हम एक बार वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारा इस तरफ तो 19 वोल्ट बन रहा था इस मॉस्फेट पे और इस पर जो है हमारा 19 वोल्ट नहीं आ रहा था, तो वो भी आ गया है। इस प्रकार हमारा कॉमन पॉइंट में भी 19 वोल्ट बन रहा है। तो अब हम इसको डिस्प्ले चालू करके देखते हैं कि डिस्प्ले आ रहा नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार हम चालू कर लेंगे, हम स्विच कर लेंगे, एक बार ऑन हो क्या ऑफ हुआ, इस प्रकार हमारा डिस्प्ले भी आ गया, ये नम लॉक पे डिस्प्ले और हमारा एम्पियर भी लोड खा रहा है। इस प्रकार शॉर्टिंग वाला जो है वो हमारा सॉल्व हो गया है। इसी प्रकार हमारा वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।